सांची जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है और जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। और आप अगर डिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे तो ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। ये सांची शहर पूरे जो स्तूप है इसके पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी श्रद्धालु इसे देखने के लिए काफ़ी साइड से आते हैं। और यूनेस्को ने इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। ये जो सांची के स्तूप है ये सम्राट अशोक की विरासत है। इसमें सारनाथ में जो हमें अस्तूप स्तंभ मिलते हैं जिस पर चार सिंह बने हुए हैं, सेम वैसे ही अशोक स्तंभ सांची से भी मिलते हैं। अभी हम स्तूपों के पास में ही हैं और जो उनका ईंटों यूज़ की गई थी जो इसमें मौर्य काल की थी वो सबसे प्राचीन संरचनाओं में से ये एक है। ये आप पिलर देख रहे हैं, इन पे सम्राट अशोक का पूरा जीवन उन्होंने कैसे किया वो पूरा इस पे वर्णित है। तीसरी शताब्दी का जो समय था, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध जो थे उनके जो नश्वर हड्डियाँ को ट्रांसफ़र करने के लिए स्तूपों के निर्माण का आदेश सम्राट अशोक ने दिया था, जो कि एक विशाल गोल आकार में 54 फीट लंबा है और इसमें बुद्ध के अवशेष युक्त एक केंद्रीय कक्ष भी है। जो पहला स्तूप था वो सांची में बनाया गया था और जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था उसके कई वर्षों तक ये स्तूप बनाए गए। और जो 1418 तक एक जनरल टेलर थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। देख रहे हैं ये पत्थर की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है और ये ब्रह्मी शिलालेख यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारे 200 रुपये का नोट है उस पर भी आपको सांची का स्तूप देखने मिल जाएगा। चलिए आइए आपको कुछ स्पेशल भी दिखाते हैं जो हमने सांची में देखा। यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है, इसको मैं तो बर्तन ही बोलूँगा क्योंकि ये एक पत्थर की संरचना है जो कि गोल आकार में है और देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक बाउल टाइप का है जो कि रखा हुआ है। काफ़ी डिफरेंट है ये, कहीं आपको मतलब मुझे तो आज तक कभी देखने नहीं मिला ऐसी चीज, बट हाँ यहाँ पर ये देखिए कुछ अलग है, ये डिफरेंट है। और यहाँ पर बच्चों का टिकट नहीं लगता है तो ये बच्चे देखो उधर करने लगते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी कई स्तूप यहाँ बने हुए हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्तूप यहाँ बने हुए हैं। ये देखिए कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं, ये टूरिस्ट श्रीलंका से आए हुए थे और इनके संग कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे जो कि स्तूप को देख रहे हैं। और ये काफ़ी ओल्ड टेम्पल है जो पहले का रहा होगा। ये देखिए एक ये टेम्पल भी है, इसको हम देख रहे हैं। इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में। आइए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे स्तूप बनाए गए होंगे पहले। एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और नेचर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बोलते हैं कि तीन स्तूप जो हैं वो ही मेन हैं। फिर यहाँ से देखिए क्या क्या निकला है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि यहाँ से मिला है सांची से।
चलते हैं। यहाँ पर हमको दो रूम मिले हैं ये, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा और नेचुरल एयर आ रही है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इनको बनाया गया है। ये दोनों पिलर को देखिए, ये वन हो गया, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। आगे जाएंगे तो एक और मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 स्तूप है और इनको आप रीड जरूर करिएगा, इनका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है, ये पिलर पर ही उन्होंने आपको पूरा इसका डिटेल बता दिया है कि कैसे कैसे स्टोरी चली है उनके पहले की। ये स्तूप के बाहर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक मंदिर भी मिलेगा जो कि भगवान बौद्ध को समर्पित है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, तो आप भी रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम जा रहे हैं मोदी जी के पास। यहाँ पर क्लीन इंडिया के लिए एक मुहिम लगाई गई है, तो आप भी सपोर्ट करें इसको, न्यू इंडिया एंड क्लीन इंडिया, जिससे कि हमारे सभी गंदगी ना हो। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इन चीज़ों पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।